हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, आज हम यहां पे एक न्यू रिक्रूटमेंट लेके आए हैं और ये सीधी भर्ती जो आई है ये इंडियन नेवी में आई है गाइस। तो बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है यहां पे वापस से इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। पोस्ट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 12 MTS पोस्ट यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो MTS की पोस्ट है, इसमें कुक की पोस्ट है, फायर इंजीनियर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है और अन्य कहीं और बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप केवल और केवल सिर्फ 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। उम्र सीमा की यहाँ पे बात करते हैं तो गाइस, अगर आपकी उम्र कम से कम 30 साल तक है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। अंतिम डेट की यहाँ पे बात करते हैं 13 सितंबर 2019 इसकी अंतिम डेट है। तो ये जो फॉर्म है गाइस, आपको ऑफलाइन माध्यम से भेजना है, तो उसकी जो पूरी जानकारी हम देखेंगे आगे सारी वीडियो में। गाइस, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी और सैलरी जब आप भर्ती होते हो तो भर्ती होने के बाद आपकी जो तनख्वाह होगी कम से कम 18,000 आपकी स्टार्टिंग पेमेंट होगी। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो हम जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मिलेगी आपको भर्ती की सारी अपडेट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, तो ये इंडियन नेवी में हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता ताकि आप भी बहुत अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे जो ये जो भर्ती है ये इंडियन नेवी में आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। और ये जो गाइस @INS शिवाजी जो बल्कि हमाल, ठीक है, तो ये वहाँ से निकल के आ रही है, ये लोनावाला से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सारा मतलब पुणे में होगा या गुजरात में भी हो सकता है या मुंबई में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सफाई वाला की पोस्ट है, MTS की पोस्ट है, जिसमें आपको 4 पोस्ट मिल रहे हैं। ST के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रही है, OBC के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट मिल रही है, EWS कैटेगरी को यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रही है और ESM के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रही है। टोटल नंबर पोस्ट की अगर बात की जाए MTS पोस्ट के लिए तो 9 पोस्ट है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है गाइस, OBC को 1 मिल रहा है, जनरल कैटेगरी को 2 पोस्ट है। उसके बाद कुक की यहाँ पे पोस्ट है, बस OBC कैटेगरी के जो लोग हैं वही आवेदन कर सकते हैं कुक के लिए। फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, बल्कि जनरल कैटेगरी के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। तो उसके आगे गए जैसे Pay 1 Pay 2 आपको दिख पा रहा है, तो उसके आगे इन्होंने सैलरी दे रखी है, आपकी सैलरी कितने तक होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस सबसे पहले कि यहाँ पे आपका जो रिजर्वेशन मिलेगा SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन छूट मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे सफाई के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसका जो उम्र सीमा है 18 से लेके 27 है, आप 10वीं पास होना चाहिए। बाकी के कैटेगरी को गाइस यहाँ पे मतलब सभी कैटेगरी के तो आवेदन कर सकते हैं, बाकी के जो पोस्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्क के लिए यहाँ पे 18 से लेके 25 ईयर्स इन्होंने बताई है मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात है कि गाइस अगर आप 10वीं पास हो, ठीक है, और तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कुक के पोस्ट के लिए यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 10वीं पास के साथ। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो गाइस यहाँ पे है ना गाइस जो पहले 2 पोस्ट है, ठीक है, MTS और पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे बस 10वीं पास है। बाकी के लिए गाइस कुक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और जो ड्राइवर है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फिजिकल भी होगा, ठीक है, चेस्ट वगैरह मांगी गई है, तो थोड़ा वो आप चेक कर लेना, ठीक है। और ये गाइस आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको एक साथ जोड़ने हैं और आपको वो लिफाफा में डाल के भेजना है, तो मैं आपको वो बता दूंगा आपको कहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जैसे रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था 5 साल SC ST को, OBC को 3 साल, PW की जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल, ESM के जो कैंडिडेट्स उनको 3 साल, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार और उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा सबसे पहला, जो बल्कि आपकी जो रेशियो होगी, ठीक है, तो उसके बराबर आपको 1/25 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने बताई है निकालेंगे वो लोग सारे लोग को।
उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको सबको एक एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, फिर आपको वहां जाके एग्जाम देना है। एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क के लिए पूछे गए हैं, जनरल इंग्लिश के लिए 15 मार्क है, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मार्क है, अवेयरनेस इन ट्रेड्स के लिए यहाँ पे आपको 50 मार्क है। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि अवेयरनेस इन रिलेटिव ट्रेड्स क्या होता है, तो ये आपकी स्किल टेस्ट होती है एक प्रकार की, जिसमें आपको मतलब MTS के पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, ठीक है, तो वो आपको स्किल टेस्ट के लिए बोलेंगे, आपको फाइल यहाँ से वहाँ उठाना है, साफ सुथरा रखना है, जो टॉयलेट से वो क्लीन करने हैं, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम घर पे भी कर पाते हैं, तो आप वहाँ पे भी यही काम करना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना। ये 50 मार्क है ना गाइस, ये आपके हाथ के होते हैं, तो इसके आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जॉब दिया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस आपको ये जो फॉर्म है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना इस फॉर्म को। तो ये रहा इसका फॉर्म, मैंने इसका जो ये जो फॉर्म है आपको मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बस आपको कैपिटल लेटर्स में सारी जानकारी भरनी है, ठीक है, जैसे आपका नाम लिखना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, परमानेंट एड्रेस डालना है, उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो कुछ होगा वो डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप कौन से कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, उसके बाद आपको ये जो 7th नंबर है ना गाइस, ये पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स है उनको ही सिर्फ भरना है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं भरना है, नेशनलिटी इंडियन डालना है यहाँ पे, फिर आपको बताना है आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, सेपरेट हो, वो आपको डालना है, आपका रिलीजन डालना है, हिंदू मुस्लिम सिख जो कुछ होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बस 10वीं पास, कौन से यूनिवर्सिटी से किया था और कब आप पास आउट हुए थे, टोटल मार्क्स डालना है, परसेंटेज डालना है और आपकी डिवीजन और क्लास डालना है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है गाइस वो आपको यहाँ पे नहीं भरना है, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, मतलब जो हमारा जन्म खून होता है या मोल होता है, बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का निशान होता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको बस नीचे यहाँ पे साइन करना है, आपके जहाँ रहते हैं वो प्लेस डालना है, डेट डालनी है, और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जोड़े हैं तो ये सारे आपको नीचे बताना है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको ये जो फॉर्म है कहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया था शायद, ठीक है, तो मैं आपको एक बार अच्छे से मतलब फिर से दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे भेजना है। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले जो अपना एनवलप होता है यहाँ पे आपको डालना है द पोस्ट ऑफ डैश, अपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद आपकी कैटेगरी डालनी है, एससी एसटी ओबीसी जो कुछ होगी, और ये आपको रजिस्ट्रेशन स्पीड पोस्ट से ही सेंड करना है। कहाँ पे करना है, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर सिविल रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर सदन नेवल कमांड कोची, ठीक है, तो ये कोची में आपको भेजना है। ये जो एड्रेस है आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, इसे कहीं पर तो लिख लेना, और 13 सितंबर के पहले आपको भेजना है। वीडियो कैसे रहा ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैंने हमारा खुद का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।